40 क्वेश्चंस, 6 आवर्स एंड 500 मार्क्स, ये सब होगा केवल एक दिन में, वो भी तब जब सिलेबस इज वेरी वास्ट, क्वेश्चंस दे आर वेरी रैंडम दैट रिक्वायर्स रिग्रस टाइम मैनेजमेंट। यस फ्रेंड्स, दिस इज यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन एंड टू डील विथ ऑल दीज थिंग्स नॉलेज इज नॉट इनफ, यू नीड समथिंग मोर एंड दैट समथिंग मोर इज अ आंसर राइटिंग स्किल। और इसी के लिए हमने लॉन्च किया है प्रयास मास्टरिंग GS1 टू GS4 आंसर राइटिंग इन जस्ट 60 डेज। तो लेट मी गिव यू एन ब्रीफ आइडिया कि ऐसा हम क्या कराएंगे कि आप जो है आंसर राइटिंग स्किल सिर्फ 60 डेज में मास्टर कर पाओगे। सबसे पहली प्रॉब्लम होती है लैक ऑफ कंसिस्टेंसी इन आंसर राइटिंग। उसके लिए हम आपको लाइव सेशंस के थ्रू कंसिस्टेंट आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करवाएंगे। द सेकेंड बिग प्रॉब्लम इज अगर आप लोग डेली आंसर राइटिंग कर भी लेते हो बट यू डोंट गेट एन इवेल्युएशन, यू डोंट गेट एन फीडबैक कि कहां पे इंप्रूव करना है क्या करना है, देयर यू गेट दिस। ओके, सो प्रयास में जो भी आप आंसर्स लिखोगे यू विल गेट डिटेल्ड इवेल्युएशन एंड फीडबैक फॉर दैट। इसके अलावा इन दिस प्रोग्राम वी हैव GS वाइज कोर्सेस, सो मेनी टाइम्स यू नो यू आर टारगेटिंग पर्टिकुलर GS सब्जेक्ट 1, GS सब्जेक्ट 2, GS सब्जेक्ट 3 और GS सब्जेक्ट 4, तो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंगली पर्टिकुलर GS सब्जेक्ट की प्रैक्टिस कर सकते हो इन दिस कोर्स। अपार्ट फ्रॉम दिस देयर इज फ्लेक्सिबल एंट्री विथ 15 डे रोलिंग प्लान, दैट मींस आप किसी भी टाइम पे इस कोर्स में एनरोल कर सकते हो, ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा कि पीछे का कुछ आपका छूट गया। अपार्ट फ्रॉम दिस दिस कोर्स इज फॉर एवरीवन फ्रॉम बिगनर टू एडवांस्ड स्टेज, तो इसमें आपको डेली बेसिस पे लाइव आंसर राइटिंग तो कराई जाएगी, इसके साथ साथ मिनी टेस्ट सीरीज भी है और फुल लेंथ टेस्ट भी है। सो दिस कोर्स इज डिजाइंड फॉर एवरीवन फ्रॉम बिगनर टू एडवांस्ड। एंड देन लास्टली सबसे बड़ा चैलेंज होता है टाइम मैनेजमेंट करना, राइट, एंड फॉर दैट इन लाइव आंसर राइटिंग एक आप टाइमर बेस्ड सिचुएशन में आंसर्स लिखते हो। एंड ये कोर्स 3 फेजेस में डिवाइडेड है विच सौरभ सर विल एक्सप्लेन यू। देखिए, आंसर राइटिंग एक ऐसी चीज है ना जो आप एक दिन में डेवलप नहीं कर सकते, तो हमें स्टेप बाय स्टेप चलना होता है एंड इसीलिए वी हैव डिवाइडेड दिस प्रोग्राम इनटू 3 डिफरेंट फेजेस। ओके, एंड हर फेज का अपना डिफरेंट ऑब्जेक्टिव है। तो इन द फर्स्ट फेज इन 60 डेज व्हाट वी आर डूइंग ऑन डेली बेसिस यू नीड टू अटेम्प्ट 3 क्वेश्चंस। ओके, आपको डेली बेसिस पे 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे मंडे टू फ्राइडे, इसके साथ साथ वीकेंड्स पे आपको 7 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे। और ये जो क्वेश्चंस होंगे थ्रू दिस क्वेश्चन वी विल इंश्योर कि जो यूपीएससी की रिपीटेड थीम्स हैं वो आपकी क्लास में ही कवर हो जाएं। ओके, एंड सबसे बड़ा इश्यू होता है कि सर कंटेंट कहां से लाएंगे, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, पूरा स्केड्यूल आपको एडवांस में मिलेगा क्या टॉपिक पे क्वेश्चन पूछा जाएगा एंड जो रिलेवेंट कॉन्टेंट होगा उसका लिंक भी हम आपको एडवांस में प्रोवाइड कर रहे हैं। एंड वी आर इंश्योरिंग थ्रू दिस क्वेश्चन आपका पूरा GS का सिलेबस यहां पे कवर हो जाए। अब देखिए आपको करना क्या है, आपको क्लास में आना है, ओके, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने हैं एंड उसके बाद देयर विल बी डिटेल्ड डिस्कशन। ओके, तो वहां पे जितने भी इश्यूज आप फेस कर रहे हैं इन आंसर राइटिंग, एक्सपर्ट फैकल्टी वहां पे आपके सारे डाउट्स को रिजोल्व करेगी। ओके, एंड जैसा सर ने कहा कि टाइम मैनेजमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये जितने भी क्वेश्चंस आप लिखोगे ये सारे क्वेश्चंस आपको टाइम बाउंड मैनर में लिखने हैं, बिकॉज आप सभी को पता है इन मेंस एग्जामिनेशन फॉर 10 मार्कर क्वेश्चन आपके पास केवल 7 to 7.5 मिनट्स होते हैं एंड फॉर 15 मार्कर आपके पास केवल 10 to 11 मिनट्स का टाइम होता है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम शुरुआत से ही टाइम मैनेजमेंट पे अपना फोकस कर सकें। ओके, अब देखो इसके साथ साथ इन दिस सेशन देयर विल बी लाइव डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ आंसर बाय एक्सपर्ट फैकल्टी, जो कोई भी नहीं करता है। ओके, तो फैकल्टी पूरा क्वेश्चन आपको लिख के दिखाएगी और इस तरह से कोई भी डाउट आपके माइंड में नहीं रहने वाला है। ओके, अब देखिए अगर हम यूपीएससी मेंस एग्जाम की बात करें तो आपको जो आंसर्स लिखने होते हैं वो एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखने होते हैं। ओके, और ये आपको कहां से पता चलेगा, थ्रू टॉपर्स आंसर शीट।
तो हमने काफी एक्सटेंसिवली एनालिसिस किया है टॉपर्स की आंसर शीट का, एंड उसी के बेसिस पे देयर विल बी एक्सपर्ट सेशन। सब्जेक्ट वाइज आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, ओके, जीएस वन के लिए क्या होनी चाहिए, जीएस टू, जीएस थ्री, जीएस फोर, सब्जेक्ट वाइज आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, ये पूरा डिस्कशन होगा इन दीज एक्सपर्ट सेशन। सिद्धार्थ सर, एंड लेट मी टेल यू समथिंग मोर, ये जो सेशंस हैं इसके थ्रू यू विल गेट एज ओवर अदर्स। नाउ हाउ? सबसे पहली चीज है कि यू विल एड वैल्यू टू योर आंसर्स, एंड दिस विल बी डन इस सेशंस में। हम आपको बताएंगे कि जो भी आप करंट अफेयर्स में पढ़ते हो उसको कैसे आप अपने आंसर्स में इनकल्केट कर सकते हो, एंड वी विल ऑल्सो टेल यू किस तरीके से। सो देखो, एग्जाम्पल्स बहुत सारे होते हैं, बट हाउ यू प्रेजेंट द एग्जाम्पल इन योर आंसर, दैट ऑल्सो मेक्स एन डिफरेंस, तो वो भी बताएंगे। साथ में विजुअल इंपैक्ट, जो आपने बहुत सारे टॉपर से सुना होगा दैट यू शुड इंक्लूड मैप्स, फ्लो चार्ट्स एंड डायग्राम्स। तो जैसे हिस्ट्री का क्वेश्चन है, यू कुड इंक्लूड अ क्रोनोलॉजी। ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, यू कुड इंक्लूड अ मैप। कोई क्वेश्चन है जहां पे आपको दो चीजों को डिस्टिंग्विश करना है या कंपेयर करना है, यू कुड इंक्लूड अ टेबल। तो ये सारी चीजें आपको ना सिर्फ बताई जाएंगी बट प्रैक्टिस करवाई जाएंगी सर। एंड इंट्रोडक्शन एंड कॉन्क्लूजन, देखिए आपने सुना होगा कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, और इसीलिए इंट्रोडक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। एंड जब एग्जामिनर आपके आंसर को इवेल्युएट कर रहा है तो कॉन्क्लूजन उसके माइंड में होगा जब वो आपको मार्क्स इवेल्युएट कर रहा है। इसीलिए इंट्रोडक्शन एंड कॉन्क्लूजन दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑलराइट। एंड इन रियल एग्जामिनेशन आपको 40 इंट्रोडक्शन एंड 40 कॉन्क्लूजन सोचने होंगे, दैट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, और इसकी पूरी प्रैक्टिस हम लोग यहाँ पे करवाएंगे। तो जितने भी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, क्या मल्टीपल इंट्रोडक्शन हो सकते हैं, क्या मल्टीपल कॉन्क्लूजन हो सकते हैं, इनका पूरा डिस्कशन हम लोग इन सेशंस में करेंगे। इसके साथ साथ देखिए, हम हमेशा कहते हैं कि आपका आंसर मल्टी डायमेंशनल होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि आपके आंसर में देयर शुड बी समथिंग फ्रॉम ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। अगर आप इकोनॉमिक्स का भी आंसर लिख रहे हैं तो देयर शुड बी समथिंग फ्रॉम सोसाइटी, समथिंग फ्रॉम पॉलिटी, बट इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी, और वो पूरी प्रैक्टिस हम लोग करवाएंगे इन दीज सेशंस। नेक्स्ट होगा आपका फेज टू एंड फेज थ्री। नाउ देखिए, फेज वन में 60 डेज में जब आप डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करोगे, आपकी आंसर राइटिंग इसके लिए एक सर्टेन लेवल रीच कर जाएगी। आफ्टर फेज वन, अगर आप रेगुलरसली फॉलो करते हो, यू विल बी कंफर्टेबल इन राइटिंग डिसेंट आंसर्स विद इन टाइम लिमिट। अब आता है उन स्किल्स को एक रियल एग्जाम लाइक सिचुएशन में पुट करने का, और उसी के लिए फेज टू एंड फेज थ्री आर डिजाइन्ड। फेज टू में आप देंगे मिनी टेस्ट, ओके, एंड देर आर 8 मिनी टेस्ट अक्रॉस पेपर जीएस 1, 2, 3, 4, राइट। आफ्टर यू डू दिस यू विल गेट फीडबैक ऑल्सो, एंड उसी के बेसिस पे फिर आप देंगे फेज थ्री में फुल लेंथ टेस्ट, जो एक रियल एग्जाम का साइमुलेशन है, जहां पे आपको 3 घंटे के अंदर 20 क्वेश्चन करने हैं, प्लस उसका आपको डिटेल्ड इवैल्यूएशन फीडबैक मिलेगा, यू विल गेट रिव्यू विद द एक्सपर्ट्स, प्लस क्वेश्चंस की सबकी डिटेल्ड डिस्कशन होगी, सो दैट यू आर कंप्लीटली मेंस रेडी। एंड इसका सर शेड्यूल जो है, कैन यू सर? देखिए, ये जो कोर्स है इसको हम स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम 9th of October, ऑलराइट, सो प्लीज इसको नोट डाउन कीजिए। फ्रॉम 9th of October वी आर स्टार्टिंग दिस कोर्स। फर्स्ट सेशन ओरिएंटेशन सेशन होगा, ओके। क्लास टाइमिंग्स हैं 5 PM to 6 PM। देखिए, ये कोर्स ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों ही मोड में आप अवेल कर सकते हैं। एंड जैसा हमने कहा, दिस इज फेज वन, ओके, दिस इज फेज वन, जहां पे डेली बेसिस पे यू आर राइटिंग 3 questions, यू आर राइटिंग 3 question, एंड ऑन वीकेंड्स देर विल बी वीकली प्रैक्टिस सेशन, ओके, जहां पे आपको 7 questions आपको अटेम्प्ट करने होंगे। एंड इस तरह से इन 60 डेज आपका पूरा जीएस का सिलेबस हम लोग कवर करवा रहे हैं थ्रू दीज प्रैक्टिस क्वेश्चन। उसके बाद देर विल बी मिनी टेस्ट, एंड उसके बाद मेंस टेस्ट सीरीज होगी। तो जो हम बात कर रहे हैं फ्रॉम बिगनर टू एडवांस लेवल वी विल अचीव थ्रू दीज 3 different phases। Now, as far as if enrollment is concerned, अगर आप interested हो, and regarding prices, so right now we are having an early bird offer जो गांधी जयंती तक limited है। So अगर आप single subject का course लेना चाहते हो
So the cost is 2499 plus GST. And if you want, you can take up all the GS1 to 4 combo in 8999 plus GST. Okay? So do not delay. See, देखिए answer writing जितना delay करोगे उतना जो है आपको difficulty होगा in mains, right? So get mains ready before your prelims preparation with our Prayas course. And if you want to join this course, links आपको मिल जाएंगे इस video के description box में and वहाँ पे आपको schedule भी मिल जाएगा, alright? So don't delay and join our Prayas to command over answer writing.